हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है नीट एग्जाम की। चंद दिन रह गए हैं एग्जाम के एंड आई एम श्योर कि आप बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के वरीड हो रहे होंगे। तो कुछ पॉइंट्स आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ मैं। ये टिप नंबर 3 है। इसके पहले दो टिप मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, दे आर इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको टिप नंबर 2 में जो बताया उसके अंदर मैंने एक EMD प्रोसेस की बात की, इजी मीडियम डिफिकल्ट। आपको बेहद ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिससे हम उबर नहीं पाते एग्जामिनेशन हॉल में। ज्यादातर बच्चों की कोशिश होती है कि जो क्वेश्चन सीक्वेंस में हम उनको करने की कोशिश करें। बहुत अच्छे स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ईगो को आगे रखते हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्ट क्वेश्चन को जब वो करने जाते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन 4 या 5 मिनट या थोड़े ज्यादा वक्त में क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। अगर वो क्वेश्चन हो गया तो भी आपका टाइम ज्यादा गया है तो आपके दिमाग में टाइम बॉम्ब टिक करने लगे और वो आपसे इजी क्वेश्चंस जो बड़े आसानी से आप स्कोर कर सकते थे उनमें कोई वर्ड्स ओवरलुक करने के लिए मजबूर करेगा, कोई सेंटेंस कोई पॉइंट मिस करने के लिए मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा क्वेश्चंस गलत कर देंगे उस क्वेश्चन के एवज में। और बेटा, अगर वो क्वेश्चन बाय द वे गलत हो गया या आपसे नहीं हुआ तो टाइम बॉम्ब भी टिक करेगा और उस क्वेश्चन के नहीं सॉल्व होने का भी एक फैक्टर आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्ले करने लगे। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को शुरुआत में बिल्कुल भी ना छुएं। मैं आपको एक चतुर दुकानदार की बात, एक दुकानदार तभी समझदार होता है जब उसके पास कस्टमर्स आए और जो कस्टमर उससे इस हाथ सामान दे इस हाथ पैसे ले वो करते हैं तो फिर वो दुकानदार उस कस्टमर को प्रेफर करता है। जो कस्टमर उन्हें सिर्फ सामान दिखाने के लिए बोलता है बार बार, ये दिखा दीजिए वो दिखा दीजिए, उसे वो थोड़ा रोक देता है। तो बेटा उसी तरह से एग्जाम में इजी क्वेश्चंस इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बात है कि आप उस क्वेश्चन को बस ध्यान से कर दो और फुल मार्क्स दे दो। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके ब्रेन को टीज करेंगे, आपके टाइम मैनेजमेंट को खराब करेंगे, आपको परेशान करेंगे और पैनिक अलग से फ्री में आपको देंगे। बेटर नहीं है बेटा इस सारा कुछ कर लेने के बाद आप उनको मार्क कर दें OMR शीट के अंदर और उसके बाद अंत में मजे लेकर के इन क्वेश्चन को करें। बेटा अगर आप प्रैक्टिकल दुकानदार की तरह काम करेंगे तो आई एम श्योर कि यू विल बी एनरिच्ड विद योर ग्रेट रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द एग्जाम। बेटा बी प्रैक्टिकल। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम बेटा। बाय।